वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लहंगा जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है ज़ैटकी से। मैंने इससे पहले भी ज़ैटकी से काफ़ी रिव्यू किया है, वहाँ की जो ड्रेसेस होती है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने एक बार फिर से ऑर्डर किया है ज़ैटकी से, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही जल्दी दिवाली और करवा चौथ आने वाले हैं और दोनों ही फेस्टिवल के लिए ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है। बहुत अफोर्डेबल रेंज में आपको ये दोनों लहंगा जो मैं आज इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ वो मिल जाएगा और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इनमें से आप कोई भी परचेज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, या आप साइट भी चेक कर सकते हैं। साइट अगर आपको चेक करनी होगी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो बढ़ते हैं अपने पहले लहंगे की तरफ, जो कि है ये ग्रीन कलर का लहंगा है और ये जैकवार सिल्क है और इसका जो फैब्रिक है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है। पूरे लहंगे में आपको ऊपर कुछ इस तरीके की डिज़ाइन मिल जाएगी, फिर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलेगा और उसके नीचे गोल्डन पूरा बॉर्डर मिल जाएगा आपको पूरे लहंगे में। और ये लहंगे का घेर काफ़ी ज़्यादा है, मैंने वीडियो में आगे पहन के दिखाया तो आप देख लीजिएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा। आप इसकी वेस्ट देख सकते हैं काफ़ी है और स्कोप है काफ़ी, आप इसे मतलब कम या ज़्यादा करा सकते हैं। अगर आपकी वेस्ट ज़्यादा है तो भी आपको आ जाएगा और अगर कम है तो आप इसको यहाँ से कटवा सकते हैं। जब मैंने इसे पहना था ना, तो वीडियो में जब आपको दिख रहा होगा तो मैंने इसके साथ 4 इंचेस की हील पहनी थी, उसके बाद मैंने ऊपर से पहना था और ये काफ़ी नीचे आ रहा था। मेरी हाइट 5'4" से थोड़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी हाइट, अगर आपकी 5'8" भी हाइट होगी ना तो ये आपको आराम से आ जाएगा। मुझे काफ़ी लंबा हो रहा था, मैं सिलवा के पहनती अगर तो मुझे डेफिनेटली यहाँ से कटवाना पड़ता। कोई बात नहीं, ये लहंगे कट भी जाते हैं, पूरे मैक्सिमम साइज़ का होता है ताकि अगर आपकी हाइट ज़्यादा हो या वेस्ट ज़्यादा हो तो आपको एडजस्ट हो जाए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको नीचे यहाँ पर कैनकिन भी मिल जाएगा और नीचे लाइनिंग भी दी हुई है, तो काफ़ी अच्छा लहंगा है। आप दिवाली में भी पहन सकते हैं इसको और करवा चौथ में तो डेफिनेटली आप पहन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ब्राइडल है, बट ये लहंगा बहुत प्रिटी है। इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और इसकी शाइन भी है। जैगवार सिल्क है, उसी के अंदर ये गोल्डन कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, येलो कलर, ये सारे कलर्स हैं। ऊपर से कोई प्रिंट नहीं है कि जो धुलने के बाद निकल जाएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है इस लहंगे की, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसमें शाइन भी है, कलर भी बहुत अच्छे हैं, मल्टी कलर का लहंगा है और इसका जो फैब्रिक है वो भी बहुत अच्छा है, कैनकिन भी दिया है, लाइनिंग भी है, तो इन शॉर्ट आपको सब चीज़ मिल जाएगी, तो आपको डेफिनेटली एक बार ट्राई करना चाहिए। उसका जो दुपट्टा है, इस लहंगे का जो दुपट्टा है वो मैं आपको दिखा दूँ, ये ऑरेंज एंड येलो कलर का जो मिक्सचर होता है उस तरीके का है। इसका भी कलर बिल्कुल दिवाली या करवा चौथ में बिल्कुल परफेक्ट लगेगा आपके ऊपर। काफ़ी शाइन है इस दुपट्टे में, आप जब इस पर लाइट पड़ेगी ना तो ये कभी येलो कभी ऑरेंज जैसे दिखेगा और साइड में आपको ये झालर जैसा मिल जाएगा, ये टैसल्स लटके हुए हैं। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, जिससे बनारसी साड़ी होती है कुछ उस तरीके का दुपट्टा है। अगर आप चाहें तो ये दुपट्टा यूज़ करना हो आपको तो आप अपने सूट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कलर आप देख सकते हैं कितना शाइन कर रहा है, तो ये दिवाली, करवा चौथ या किसी भी फेस्टिवल में, इवन वेडिंग सीज़न आ रहा है तो चल रहा है शायद, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी पैटर्न के काफ़ी वहाँ पर लहंगे थे। इसके साथ मुझे ये ब्लाउज़ का पीस मिला था और ये बहुत ही अच्छे अमाउंट में कपड़ा है। इसमें भी आप देख सकते हैं फ्रंट में कुछ इस तरीके से है, कॉन्ट्रास्ट में दिया हुआ है। लहंगा डार्क कलर का है, ब्लाउज लाइट कलर का है, लाइट कलर का कपड़ा है और इसमें मल्टी कलर के डॉट्स जैसे बने हुए हैं, गोल्डन कलर से भी वर्क है। तो जब आप इसका ब्लाउज बनवाएंगे तो ये कपड़ा आपको कम बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है, मोर देन इनफ अमाउंट में आपको ये दिया हुआ है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया।
जो हमारा नेक्स्ट लहंगा है वो ये है, बनारसी सिल्क है, ये ब्लैक एंड गोल्डन कलर का मिक्सचर है, ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है और नीचे आपको ये बॉर्डर मिल जाएगा। इसमें भी कैंटिन दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घेर अच्छा आएगा और नीचे अंदर लाइनिंग भी मिल जाएगी ब्लैक कलर से। इसका जो चमक है ना वो भी कम नहीं है, ब्लैक में होता है कुछ शाइन नहीं होती है, कुछ ड्रेसेस में तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बट इसमें काफ़ी शाइन है और ये देखने में ओवरऑल इसका लुक बहुत क्लासी आ रहा था। अगर दिवाली में अगर आप ब्लैक प्रेफर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, ये ब्लैक गोल्डन एंड रेड का कॉम्बिनेशन है, तो ये प्योर ब्लैक नहीं है तो ये दिखने में बहुत डिसेंट लगेगा। आपको ये दिख सकता है कि कितना इसमें कमर अगर आपकी काफ़ी है तो भी आपको आराम से आ जाएगा। मैंने 4 इंचेस की हील के साथ पहना था बट ये उससे थोड़ा सा हाइट में कम है और कोई भी अंतर नहीं है दोनों में, दोनों की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। प्राइस के अकॉर्डिंग ऐसा मार्केट में आपको बहुत ही कम कहीं बहुत ज़्यादा ढूंढने पे ही मिलेगा, तो आपको एक बार जैक की ज़रूर चेक करना चाहिए। और उसके साथ आपको ये ब्लाउज़ मिलती है जो कि गोल्डन एंड ब्लैक कलर से है और इसमें आप देख सकते हैं शाइन कितनी है। जब आप इसे पहनेंगे दिवाली वाले दिन, करवा चौथ वाले दिन, जब रिफ्लेक्ट होगा ना ये तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगने वाला है आपके ऊपर। और इसका भी अमाउंट कम नहीं है, आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा अमाउंट में आपको मिलेगा। एक्चुअली ये इसमें अटैच्ड है, मैंने ओपन नहीं किया इसलिए मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ इसको, बट इसमें काफ़ी अमाउंट में आपको ये कपड़ा मिलता है जिससे आप ब्लाउज़ बनवा सकते हैं, तो ये भी कपड़ा कम नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है इस लहंगे की वो ये दुपट्टा था, ये रेड कलर का दुपट्टा है और ये कॉम्बिनेशन ब्लैक गोल्डन एंड रेड, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हैं इसका जो ये बॉर्डर है इस पे ऐसे डिज़ाइन बनी हुई है और आपको यहाँ पर साइड में टैसल्स मिल जाएंगे। ये काफ़ी लंबा दुपट्टा है, मेरी हाइट 5'4" से थोड़ी ज़्यादा है, उसके बाद मैंने 4 इंचेस की हील पहनी थी बट स्टिल ये पूरा नीचे तक आ रहा था, ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। आपको बीच में इस तरीके का प्रिंट मिलेगा और साइड में ये बॉर्डर मिल जाएगा, ये पीछे इस तरीके का है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है इसकी और आगे इस तरीके का है और ये काफ़ी बढ़िया लग रहा था मुझे। ये भी सिल्क का, जैसे सिल्क के कपड़ों में ही बुनाई या कढ़ाई जो भी होती है वो होती है, तो वही है, ऊपर से कोई भी प्रिंट नहीं है। मुझे ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छे लगे दोनों लहंगे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लहंगा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। That's it for today's video guys. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लोगों के साथ, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा लहंगा ज़्यादा अच्छा लगा था। मुझे तो दोनों बहुत अच्छे लगे, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा। ऐसे और वीडियोज़ आने वाले हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए हॉल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।